subscribe to Shimaru Movies and hit the bell icon to never miss an update. दूध लाया? जी बाबूजी, ले आए। चल डाल इसमें, डालना बस, और थोड़ा बस बस। हाँ पकड़ इसको। चल पी जा, चल पी, खत्म कर दे इसको। नहीं हुआ, सिर्फ 8 अंडे डाले, तेरे को पहलवान बनना है, चल पी जा। वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटे। शुक्रिया। अभी चलें? चलिए। क्या क्या? जी बाबूजी, बाबूजी अभी बहुत दर्द हो रहा है, अब और दौड़ा नहीं जाएगा। तू जरूर अपनी माँ पे गया है। ठीक है, पानी पीने चलना है? जी बाबूजी, चला जा। हमारे प्यारे बाबूजी। ए, तेरी तो तू बहुत भारी हो रहा है। माँ पे जाऊँ? शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माँ प्रणाम। देवी माँ। कितना अच्छा बच्चा है मेरा, लीन होकर साष्टांग प्रणाम कर रहा है।
ये साष्टांग प्रणाम नहीं कर रहा है, ये एग्जास्ट होके कलपसिया गया है जी। अर्थात ये चक्कर खा के नीचे गिर गया है। हे भगवान, क्यों बेचारे को रोज सुबह सुबह भागदौड़ करने के लिए ले जाते हैं आप? देखा नहीं कितना कमजोर हो गया बेचारा। अरे उठ यार, क्यों सुबह सुबह अपने बाप को डांट पड़वा रहा है? सॉरी बाबूजी। कल सुबह से सिर्फ मेरे साथ मंदिर आया कर। जी माँ। कोई जरूरत नहीं इनके साथ इस तरह भागदौड़ करने की। जी माँ। अरे हम तो ये सोच रहे थे भगवान कि तुम भी हमारे साथ दौड़ने चला करो। क्यों? वरना तुम्हें पतला देखने की ख्वाहिश दिल में लिए ही हम परलोक सिधार जाएंगे। बस भी कीजिए, कहीं भी शुरू हो जाते हैं। जाइए, शतरंज आपका इंतजार कर रही है। अरे जा रहे हैं, जा रहे हैं। प्रणाम। दीदी माँ, माँ मैं भी चलता हूँ। कहाँ? खेत में जाऊँगा, काम करूँगा। खा कर जाना बेटा। जी माँ, वहीं पे कुछ खा लूँगा। अरे जोर से दबाना ललन। एक बात पूछूं भैया? हाँ पूछ। ये मोहब्बत कैसी होती है? कैसी होती मतलब? उसी कोई शक्ल से थोड़ी होती, और होती नहीं, हो जाती है। आपकी मुस्कान से मोहब्बत कैसे हो गई? पता भी नहीं चला कि कब मोहब्बत हो गई। उसने मेरी आंखों में आंखें डाली, मैंने उसकी आंखों में आंखें डाली, दिल को एक सुकून से पहुंचा और मोहब्बत हो गई। क्या हुआ, क्यों रो रहा है? भैया मैं 3.5 साल से जवान चल रहा हूँ, तब से यही कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ तो लड़की आंख में आंख डालने से पहले ही भैया बोल देती है, और जिसकी हम आंख में आंख डालने कोशिश करते हैं वो लपाड़ा मारती है। इंसान नीटे टपुंजिया समझती है हमको। आप हंस रहे भैया? भैया एक लड़की थी मृगनैनी, हमको अच्छे से उसका नाम याद है। उसने हमको खूब देखा, हमें बहुत अच्छा लगता रहा, ना ही हमको लपाड़ा मारा ना ही हमको भैया कहा। हम रिक्शा लेके पहुंच गए, इंक्वायरी निकाली तो पता चला वो अंधी है। आप हंस रहे हैं भैया? नहीं बिल्कुल नहीं, धीरज रखो, शांति रखो। देखिए धीरज का नाम मत लीजिए भैया, नहीं तो हम आपकी पीठ नहीं, हम आपका गला दबा देंगे और बहुत जोर से दबाएंगे। हम 3.5 साल से शांति को रखने के लिए तैयार हैं, लेकिन धीरज उसका बाप मुझे रखने नहीं देता। आप हंस रहे हैं? अच्छा आपको अपने शरीर की चिंता, हमारी मोहब्बत कोई चिंता नहीं है। पता नहीं कब आएगी मुस्कान। लो आ गई मुस्कान, अब उसी से बातें करो। हाँ चमके चूड़ी खन के लौंग मारे लश्कर हम हो गए तुम्हारे। ए बिंदिया चमके चूड़ी खन के लौंग मारे लश्कर हम हो गए तुम्हारे। भूल जाएंगे तुमको ना भूल पाएंगे, तुमको अगर भूल जाएंगे हम जीना ना चाहेंगे। चमके चूड़ी खन के लौंग मारे लश्कर हम हो गए तुम्हारे।
जब लग जाता है फिर तो जिया नहीं जाता है। तुम जो नजर आ जाते हो कुछ भी नजर नहीं आता है। जा भी दे दूं कर दे अगर तू इशारे हम हो गए तुम्हारे। हाय बिंदिया चमके चूड़ी खन के लौंग मारे लश्कारे हम हो गए तुम्हारे। ओरे सजन मोहे थारी कसम ओरे सजन मोहे थारी कसम थारी मांग मैं भर दूं तारे। बिंदिया चमके चूड़ी खन के लौंग लश्कारे हम हो गए तुम्हारे। तुम बाबूजी लोगन से हमारी शादी की बात काहे नहीं करते? अरे हमारी जान जोखिम में काहे डाल रही हो? तुम्हें पता है ना हमें बाबूजी से बहुत घबराहट होती है। काहे घबराते हो? सीसा पगाना झगाता न पे प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी और उपाई उपाहन के नहीं सामा। बाबूजी आवत है अम्मा के साथ में वीरा को अब भगवान बचाना। हम तो नहीं घबराते। जब तुम बाबूजी से मिलोगी तो क्या कहोगे? जब हम आपके बाबूजी से मिलेंगे हम तो कह देंगे कि हमें आपके बेटे से शादी करनी है। जल्दी से प्लीज बाबूजी आ गए। मम्मी भी साथ में लो बात कर लो हम नहा के आते हैं। लो पकड़ो। कौन है वो? बाबूजी ललन। ललन की बात नहीं कर रहा हूँ। वो लड़की कौन है? शिव प्रताप सिंह जी की बेटी है। शिव प्रताप सिंह की बेटी मुस्कान। शिव प्रताप। अरे ठाकुर साहब आप क्या बात है? सब ठीक तो है ना? बेटी पैदा की है तो उस पर नजर रखा करो। उसे अपने घर में रखा करो। क्या किया उसने? मेरे बेटे के साथ नाच गा रही है। उसके साथ इश्क लड़ा रही है आजकल। मेरी बेटी और ये सब? मैं माफी चाहता हूँ ठाकुर साहब। मैं खुद अपने हाथों से उसे सजा दूंगा। तुम क्या सजा दोगे उसे? तुम्हारी बेटी को सजा तो अब मैं दूंगा। एक ऐसी सजा कि जिंदगी भर तुम्हारी बेटी मेरे बेटे के लिए खाना पकाती रहेगी। मैं कुछ समझा नहीं। सुनो ठाकुर, मैं अपने बेटे के लिए तुम्हारी बेटी का हाथ मांगने आया हूं। सच ठाकुर? मैं ठाकुर शिव प्रताप सिंह नर्वस आ गए थे ना? हाँ यार, मैं नर्वस आ गया था। हे भगवान, बुला रहे तुम्हें? नहीं मां, मैं नहीं आऊंगा। आओ तो सही। अरे पहले पूछो तो सही, गोली मार के आए, गाली दे के आए, करके क्या है? तुम खुद पूछ लो ना, तुम्हें बुला रहे। नहीं मां मुझे। अरे डरो मत, मैं हूं ना। ये तुम्हारी कोई उम्र है प्यार करने की? नहीं बाबूजी। तो क्या हमारी उम्र है प्यार करने की? जी हमने तुम्हारी शादी पक्की कर दी है मुस्कान के साथ। अब चलो खाना खा लो। बाबूजी वेरी गुड चॉइस। अब तो हर बच्चे हमसे ज्यादा खूबसूरत होंगे। वीर मुझे क्या मुझे? तुम इन मुझ में बहुत अच्छी लग रही हो। नहीं ये तुम्हारे लिए है। मेरे लिए? नाम वीर है, ठाकुर खानदान के हो, और मुझे नहीं है। बाबूजी के मुझे देखी क्या लगती हैं? मैं भी तो देखूं तुम कैसे लगते हो। आ हा हाय क्या लग रहे हो, देखो देखो देखो, दुई मच लग रहे हो। हाँ, हाँ लेते ना, क्यों नहीं। बाबूजी कितना हुआ? सब मिला के 105 रुपया। बाबूजी 105 ठग रहे हो क्या? ठिंगने नाटू काट गिठान,
ए नौगोटिया, मिलना मत कभी साले। अबे तेरे को रोक, तेरे को बताता हूँ। लग जाएगी, लग जाएगी। ऋतिक रोशन। हाँ, मिले मैं? मैं तो इन्हीं के साथ फोटो खिंचवाऊंगी। हाँ मुस्कान, मुस्कान मैं इनके साथ खिंचवा लूँ तस्वीर। हाँ उनके साथ। लेकिन तुम उनके साथ खिंचवा रही, मैं इनके साथ खिंचवा लेता हूँ। मेरी बात और है। क्यों? क्यों? अगर उनके साथ इतना ही फोटो खिंचवाना था तो शादी क्यों नहीं कर लेते उनके साथ? मैं तो चली। हाँ अरे हमने कहा हम जा रहे हैं। मुस्कान हम तो सिर्फ इनके बहुत बड़े फैन हैं बस। और भला तुमसे खूबसूरत कोई है इस दुनिया में? सॉरी हम झूठ बोले रहे, बस सिर्फ ही बखत के लिए, सिर्फ ही बखत के लिए। शिव प्रताप यू आर वेरी लकी मैन, तुम बहुत नसीब वाले हो। वो कैसे? तुम्हारी बेटी हमारे घर बहू बनकर आ रही है। अरे हम तो लकी हैं, तुम तो वेरी वेरी लकी हो। है? क्योंकि हमारी बेटी बहू बनकर के तुम्हारे घर आ रही है। और वैसे एक बात बताएं ठाकुर। हाँ? हमारी बेटी ने आज तक अपनी आंख उठाकर किसी भी मर्द की तरफ नहीं देखा। तुम बिल्कुल अंधे हो, मैंने देख लिया। क्या देख लिया? वो देखो तुम्हारी बेटी बेशरम उस मुच्छड़ के साथ बाहों में बाहें डालकर इस मेले में घूम रही है। हाँ ठाकुर। कौन है वो? हमको क्या मालूम, हम तो इस मुच्छड़ को पहली बार देख रहे हैं। और आखिरी बार। ए मुच्छड़। अरे बाबूजी। कौन है तू, किस गांव से आया है? बाबूजी मेरी बहू के साथ क्या कर रहा है? अरे बाबूजी। अरे क्या बाबूजी? अरे बाबूजी हम तो हर जिगर के टुकड़े तुहार लाडले हैं बाबूजी। वीर। अरे हमारे बेटे का मूछ नहीं है। ई लो बाबूजी। हमको माफ कर दे बेटवा, हम तो निक कन्फ्यूज आ गए थे। वैसे किस बेवकूफ ने तुमको ये सुझाव दिया था? बाबूजी मुस्कान ने। तुमने कहा था मुझे लगाने को? बाबूजी मैं नहीं, लल्लर। बाबूजी हमने क्या किया, हम तो ये बताने आते दंगल शुरू होने वाला है, आपने यही शुरू कर दिया। राजगढ़ और जूनागढ़ के निवासियों को लल्लन का दंगलिया प्रणाम। और लीजिए कर्नल अंकल की तरफ से फौजिया सलाम। ये रहे हमारे राजगढ़ के चहेते पहलवान मल्हार सिंह। जूनागढ़ के चहेते पहलवान, क्या नाम इनका? ओए सेवक राम। सेवक राम। जूनागढ़ में इनका नाम जय बजरंग बली। इनका ये पहलवान तो बहुत ताकतवर है, लेकिन शरीर से कुछ नहीं होता, साथ में दिमाग और फुर्ती होनी चाहिए और दांव पे जाने चाहिए। मगर चाहे जो भी हो पहलवान मल्हार मल्हार सिंह जा फिर जा, उठा के पटक दे यहाँ। ठाकुर साहब मैं उस आदमी से नहीं लड़ सकता। क्या हुआ, नर्वस आ गए का? अरे बहुत लंबा चौड़ा आदमी है, मेरी जान ले लेगा। आशीर्वाद। हाँ आशीर्वाद ले रहे हैं। पहलवान कहीं का? अरे भाग गया। पिछवाड़ा कहाँ दिखा रहे हो, जा तुम में से लड़ो एक। क्यों ठाकुर, लगता है कि राजगढ़ में किसी ने अपनी माँ का दूध नहीं पिया है, अपनी हार मान लो। हमारे सारे पहलवान डंकी निकले, अब हमारी आवत है। अरे ओ ललनवा। हाँ बाबूजी। हमरा नेम अनाउंस कर दो। अरे अरे बाबूजी को क्या हो गया? अरीका कर रहे बाबूजी, देखो कितना कर रहे बाबूजी। अरे कुछ नहीं होता, 2 सेकंड में उठाए का पटक देंगे हम। हाँ बाबूजी मचाओ। अरे कुछ नहीं होगा, हम अभी आवत है। आ रहा है ठाकुर। क्या नाम है बाबूजी? अरे ठाकुर पुण्य प्रताप सिंह। ठाकुर पुण्य प्रताप सिंह। आप क्या होगा, क्या होगा अंकल, हमें तो उठा लेंगे। Oh!
तूने कमाल कर दिया वीर, तूने कमाल कर दिया। बाबूजी ये क्या? अरे बेटा ऐसी छोटी मोटी तो लगती रहती है ना। वीर मेरे बच्चे, तूने तो वाकई कमाल कर दिया, लेकिन ये सब तूने किया कैसे? पता नहीं, उसने बाबूजी पे हाथ उठाया और अचानक मुझे पता नहीं क्या हो गया। अच्छा एक बात बताओ, ऐसा लड़ना तुमने कहां सीखा? अरे शेर के बच्चे को शिकार करना थोड़ी सिखाना पड़ता है। अरे खा के पराठे बहुत किया है, कराता ही हूं। अब हमारा लव तो हाली और भी बढ़ गया है। अच्छा ई का कर रहे तुम दोनों? बाबूजी, क्या बात है बेटा? बाबूजी मुझे बहुत घबराहट सी हो रही है, मैं आपके पास आके सजाऊं? आजा बेटा, आ। कमाल है ठाकुर पुण्य प्रताप सिंह का बेटा, नाम वीर, इतने बड़े पहलवान को चित कर दिया और अंधेरे से डरता है, चल सो जा। हाँ हाँ वीर भी साथ में आएगा, क्यों नहीं आएगा, शादी तो उसी की होने वाली है ना। हाँ ठीक है, हाँ बाय। बाबूजी इलो और पीलो, माँ तुहार वास्ते खास बना के भेजी अंडा दूध और वो भी विदाउट सुगर। काहे? कर की लड़ाई के बाद साबित होई गवा के एकर जरूरत तोहे है। बिटवा जानो तो किसका फोन आया रहा? नहीं बाबूजी, तुहार होए वाले ससुर जी का। का कहें ससुर जी? वो कहत रहे के लंच टाइम पर खाने के लिए आ जा, वीर को साथ में ले आ, सब लोग मिलना चाहते है। तो आप का बोले? हम कहे बिल्कुल लेके आएंगे, लेकिन अगर तुम ये दूध नहीं पियोगे हम तो है नहीं लेके जाएंगे। बाबूजी हमका एक बात बताओ। हाँ। तुहार सबसे बड़ी खुशी के में है? तुहार खुशी में, हमार खुशी में। हाँ। हमार बाबूजी खुशी हमार खुशी। हाँ। में बाबूजी हमार खुशी ई है के ई दूध आप पी ले। बेटवा ब्याह किसका होने वाला है? बाबूजी तुहार जिगरी दोस्त की बेटी मुस्कान का। किसके साथ? बाबूजी तुहार जिगर का टुकड़ा, तुहार लाडला, हमार साथ। बाबूजी हमार साथ, भूल गए? तो बेटवा ई का जरूरत हमका ज्यादा है कि तुमका? बाबूजी माँ ने मुझसे कहा है कि जो आपकी शादी माँ से हुई थी तो हमारे दादाजी आपको बादाम पिस्ते का दूध पिलाया करते थे, है ना? ई का बाबूजी आप हमको ये अंडा दूध और वो भी विदाउट सुगर, आप जानत है मुर्गी हमको देख के चोच मारत है और भैंस देख के लात। सच? जी हम का देते। नहीं बाबूजी मैं आपको चोचा लात नहीं खाने देंगे। नहीं लात हम खाएंगे, चोचा हम खाएंगे। नहीं बाबूजी वो चोचा लात नहीं खाने देंगे। अरे देते बेटा, मैं बोल रहा हूँ, कसम दे रहा हूँ मैं। अच्छा तो फिर लो पी लो विदाउट सुगर, हम चलो थे। कल वो पहलवान हमका चित कर दिया, आज हमार बेटवा हमका पट कर दिया। पी जा भैया। अरे तेरी राम 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 राम। पता नहीं हमार बेटवा इसे कैसे बर्दाश्त कर रहा है, ये तो बहुत ही बुरा है। देखो वीर, तुम्हारे बाबूजी नौटंकी वाले कपड़े पहनकर हाथ में दो नाली लिए दहाड़ते हुए हमारी हवेली में हमसे हमारी बेटी का हाथ मांगने आए थे, उन्हें तो हमने झेल लिया, लेकिन अब हम ये चाहते हैं कि तुम खुद हमारी बेटी का हाथ हमसे मांगो और वो भी सबके सामने ठाकुरों वाले अंदाज में। मांग लो ना, हाथ मांगने में क्या शर्म? अब नहीं तो तुम्हारी तरफ से मैं मांग लेता हूँ। बोलता क्यों नहीं? दाहिना हाथ दे दीजिए। ओ दाहिना क्यों, दोनों हाथ मांगेंगे यार? ओ मांग यार मांग, ओ मांग यार, क्यों कर्नल अंकल का नाम डुबो रहा है, पंजाब वाले क्या कहेंगे यार? हाँ मांगो मांगो। अरे बेटा अगर मांगना अच्छा नहीं लगता तो डिमांड कर ले, हम लोग अक्सर डिमांड करते हैं। हाँ मांगो ना। भाभी जी बीच में नहीं बोलेंगी। ठाकुर साहब
मेरे बाबूजी मेरे लिए आपकी बेटी का हाथ मांगने आए थे, तो प्लीज आप मुझे वो हाथ दे दीजिए प्लीज। इस लड़के में कोई ठाकुरों वाली बात तो लगती नहीं। भाई सुनो वीर भाई, ठाकुर वाले स्टाइल में अगर तुम हमसे हमारी लड़की का हाथ मांगोगे तो हम तुम्हारी बात मानेंगे, वरना मांगो ना। अरे क्या कर रही हो? अबे करना कुछ। ये बंद कर दी था। बल्ले 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 देखा हाँ, इसे कहते हैं लड़का ले गया। तो हे लाज नहीं आती बाबूजी लोगन के सामने ये सब हरकत करते हुए? अरे तब तो तुम्हें खड़े होकर चला रही थी, मांग लियो अब जब तुहे लाज नहीं आई तो हमका कैसे आएगी? बातें नाटी हो तुम। वो तो है। अच्छा मुस्कान उनका एक बात बताओ कि तुमको पता है शादी के बाद कहाँ कहाँ होते? नहीं। झूठ बोल रही हो तुम, खाओ हमारे सर की कसम। हम तो हर सर की झूठी कसम नहीं खा सकते। एक मतलब तुहे पता है, बताओ ना बताओ ना बताओ ना बताओ ना मुस्कान कहाँ होते? बच्चा होते। बच्चा होते? ये बच्चा कैसे होते? हमका नहीं मालूम। झूठ बोल रही है तुम, खा मार सर की कसम। हम तुमका बता देंगे तो तुमका लगेगा हमारा कैरेक्टर वो खराब है। अरे हमका पता है तो का हमारा कैरेक्टर वो खराब है? ये सब तो शादी के बाद होते हैं। ये शादी कहाँ होते है? शादी हमारे फिलॉसफी ये है कि जब दो दिल मिला थे तब शादी होते है। तो हमारा तुम्हारा दिल कब मिला? जन्मों पहले। एक मतलब है कि हमारी शादी जन्मों पहले हुई रही? वो तो है। तो पहले जन्म में बच्चा करें? पहले फॉर्मेलिटियां तो खत्म हो जाने दो। ठीक है, हम ई बखत कंट्रोल हो जाते हैं वो बखत के लिए। बस बस अब नाटी नाटी बातें करना छोड़ो, हम तुमका गुड गुड चीज दिखाते हैं ठीक है? ब्यूटीफुल है ना? है, लेकिन तुमसे ज्यादा नहीं। ये बेखुदी दीवानगी तुम्ही से है मेरे जाने जाना, ये बेखुदी दीवानगी तुम्ही से है मेरे जाने जाना, आशिकी आवारगी तुम्ही से है मेरे जाने जाना। खुदी दीवानगी तुम्ही से है मेरी जाने जाना। भुला ना पाएगा
मैं तुमको, ये आशिकी है, इस आशिकी में एक बेखुदी है, ये बेखुदी भी दीवानापन है, दीवानेपन में आवारगी है। प्यारा है ना, बहुत प्यारा। मैंने इसका नाम डॉगी रखा है। डॉगी, कितना खूबसूरत नाम है। मैंने तो हमारे बच्चों का भी नाम सोच रखा क्या? है। अगर लड़का होगा तो बाबा, और अगर लड़की होगी तो बेबी। वाह, कितने अनोखे नाम है। मुझे तुमसे नहीं मिली थी। पकौड़ियाँ आ गई हैं, आके ले जा। पकौड़े खाओगे? खिलाओगी? क्यों नहीं। अरे रजा, बहुत दिन बाद गोल वाले बिस्कुट दिखे हैं। टूट, तुम शट अप रहो। क्या हो गया तुझे? बाबूजी कुत्ता मुझे मार देगा। बाबूजी कुत्ता मुझे मार देगा। कौन ये कुत्ता? एक बहुत बड़ा कुत्ता था बाबूजी। बेटा यहाँ पे कोई बड़ा कुत्ता नहीं है, सिर्फ ये है। तू कल तूने इतने बड़े पहलवान को चित कर दिया, आज एक छोटे से कुत्ते से डर गया तू? नाक कटवा दी मेरी तूने सबके सामने। बस भी कीजिए। क्या हो रहा है बेटा तुझे? मां, मैंने एक बहुत बड़ा कुत्ता देखा जो मुझे काट रहा था। कुछ नहीं है बेटा, तू मंदिर हुआ, भगवान जी के दर्शन कर, सब ठीक हो जाएगा। महासुस्त हो यार तुम लोग, भुट्टे खिला रहे हो, बेवकूफ बना रहे हो। अरे बाबूजी अभी तो आया है नमक और मिर्चा, अंगीठी में कोयला डालेंगे, कोयला गरम होगा, अंगीठी जलेगी, भुट्टे भुनेंगे, नींबू रगड़ेंगे, नमक रगड़ेंगे, तब मिलेगा आपको भुट्टा। तब तक हाथी घोड़ों के साथ खेलिए, दिमाग मत खराब कीजिए हमारा। कहाँ गए थे? मंदिर गया था। क्यों? मुस्कान मंदिर गया था। क्या मांगा? मार बाबूजी की लंबी उम्र। और हमारे लिए? मांगा ना। झूठ। नहीं, तोरी सर की कसम। क्या? कि तुम्हारी आंखें सिर्फ मुझे दिखती रहे और मेरी सिर्फ तुमको, और तुम्हारा दिल सिर्फ मेरे लिए धड़कता रहे और मेरा तुम्हारे लिए, और तुम्हारे होंठ सिर्फ मेरे होंठों को छुए और मेरे होंठ सिर्फ तुम्हारे होंठों को छुए। भुट्टा मिल गया, अरे भुट्टा मिल गया, मैं क्या करूं राम, मुझे भुट्टा मिल गया। अरे अंकल के मोहताज, तूने मधुमक्खी के छत्ते के नीचे सिगड़ी लगा दिया है। कभी कोनर ठाकुर को तुम दबाकर भागते देखा है? नहीं तो मुझे देखो। भगवान मेरे बेटे की रक्षा करना। अरे मुझे भूल गई भगवान। और इनकी भी। सुन लिया आपने? ये क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे मधुमक्खियों ने आक्रमण कर दिया है, भगलो अलग अलग दिशाओं में, जिसका गुड लक उसका गुड लक, जिसका बैड लक उसका बैड लक। अरे ए हमार वीर, हम तो तोरे दिशा में भागेंगे, तोहार गुड लक हमार गुड लक, तोहार बैड लक हमार बैड लक। तो फिर चलो। क्या हुआ मुस्कान, इतनी जल्दी साथ छोड़ दिया? सिर्फ ही वक्त के लिए, सिर्फ ही वक्त के लिए। ओए ठाकुर, ओए पुत्र वीर किधर है? उड़ गया। ओए मधुमक्खी से डर के भाग गया कि रायगढ़ से भाग गया है वो?
सिर्फ ही बखत के लिए। मधुमक्खियों ने काट लिया क्या? घबरा मत बेटे, मैं आ रहा हूं। बाबूजी, मेरी बचपन और जवानी के बीच की कोई तस्वीरें नहीं है? क्या पूछ रहा है तू? ये ऐसे ऐसे सवाल तेरे दिमाग में आते कैसे हैं? तुम्हारा बेटा बावला हो गया, सटिया गया, इसके सवाल का जवाब दो। तू तो जानता है बेटा, हमारे गांव में कोई अच्छा स्कूल नहीं है, इसलिए बोर्डिंग भेजा था पढ़ाई करने के लिए। अगर मालूम होता तुम ऐसे ऐसे सवाल पूछोगे तो एक फोटोग्राफर की ड्यूटी लगा देते, हर हफ्ते फोटो खींच कर घर भेज देता, हम लोग दीवार पर चिपका देते। आप भी मुझे कुछ याद क्यों नहीं आता? कैसे याद आएगा बेटा, एक बार छुट्टियों में तू घर आया था, छत पर खेल रहा था, खेलते खेलते अचानक नीचे गिर गया, नीचे काटो वाला तार था, काफी दिनों तक तू बेहोश रहा, बहुत मिन्नतें की, कोशिशें की, तब जाकर तुझे होश आया, लेकिन जब होश आया पिछली सारी बातें तू भूल चुका था, बस भगवान ने हमें हमारा बेटा लौटा दिया। बाबूजी, मुझे बहुत अजीब अजीब चीजें दिखाई देती बाबूजी, और आज तो मुझे बिल्कुल मेरी शक्ल का आदमी मेरे सामने दौड़ते हुए दिखाई दिया। क्या? जी बाबूजी, उसकी शक्ल बिल्कुल मेरी जैसी थी और वो मेरे सामने दौड़ रहा था। बाबूजी, मैंने बड़े बुजुर्गों से सुना है, अगर किसी ने मौत को करीब से देखा हो तो उसे पिछले जन्म की बातें याद आती है। तू अपने दिमाग पर जोर मत दिया कर बेटा। हाँ, ठाकुरों को ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, उनको हेडेक हो जाता है। चले जरा मेरे पास आ। तेरी ठीक से मालिश करूंगा ना, तू बिल्कुल सही हो जाएगा। हमें बताओ कि हमारी याददाश्त कैसी गई? बस इतनी सी बात से परेशान हो गए? हमारा 16वां सावन था और त्योहार साथ पहला, हम गए थे सिनेमा घर सिनेमा देखने, सिनेमा देखा और बाहर निकल आए सिनेमा का हिट गाना गाते हुए, हाथों में हाथ आंखों में आंख। पर इतने में एक लफंगा आया और हमारी चिकोटी ले ली और हम चिल्लाए ओह, बस तुम सेटअप नहीं रह पाए, तुम चालू हो गए। इतने में उस लफंगे का एक दोस्त आया एक बड़ा सा डंडा लेके, मैं चिल्लाई प्लीज हमरे वीर को छोड़ दो, हम सारी हैं, तुम चाहते हो तो हमरे पप्पी ले लो, हमरे चिमटी ले लो, एक नहीं दो ले लो, लेकिन उसने हमरी एक नहीं सुनी और तुम्हारे सर पे मारा दाई। बस उसी दिन से तुहार ई हसर हुई गवा। हम तोरी स्टोरी पे कोनो बिलीव नहीं करते। काहे बिलीव नहीं करते? हम लायर है का? हम झूठ बोल रहे हैं? तो खाओ मार सर की कसम। इन छोटी छोटी बातों के लिए हम कसम वसम नहीं खाते। हाँ, ये तुम्हारे लिए छोटी बात होगी, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हमारे सामने हमको एक हमारी शक्ल का आदमी दौड़ते दिखाई देता है, ये का छोटी बात है? हमको तो लागत है ये भूत प्रेत का चक्कर है। हमारी बात मानो, हमारे साथ चलो, एक बाबा है पास के गांव वाला, बहुत पहुंची हुई चीज है, उसको दिखाते हैं सब ठीक वीक हो जाएगा। दूर, हमको जरूर नहीं बाबा साबा ढोल ढपंगियों की, वीर भैया ये खाली आपको बहका रही है, इसके चक्कर में पड़े ना तो मुस्कान हम सबको रुलवा देगी। ललन भैया, हाँ? लोग आपको क्या क्या बोलते हैं? हाँ, क्या कहते हैं हमें? टिंगने, गांठ, गिठान, नाटू, बटले और क्या।
तो क्या आपको ये सब अच्छा लगता है? अरे हमको अच्छा नहीं लगता। हाँ तो ललन भैया, सबसे ज्यादा जरूरत बाबा की किसको है? किसको है? आपको। आप बाबा के पास जाओगे, आपका कद बढ़ेगा, आपको कौन मिलेगी? ये शांति। चलो इन जमाऊ खतीरा। बाबा अपार कष्ट है, शरीर को बिकट धक्का लगा है। शांति बच्चा शांति, हर कष्ट का निवारण है शांति। शांति के माँ बाप ने ही तो शादी के लिए मना कर दिया बाबा, तब से हमारे जीवन में शांति है। खामोश, वो शांति नहीं, शांति का मतलब है स्थिरता, ठहराओ। बाबा जवान हुए 3.5 साल हो गए। लंबाई 4.5 फीट से ज्यादा नहीं हो रही। वो तो दिखाई दे रहा है, पर कारण? बाबा 13 साल तक लंबाई बढ़ी और उसके बाद अब खाली उम्र। तेरी समस्या का समाधान यही कहीं घूम रहा है बच्चा, यही के मिल गया। थोड़ा कठिन है, कर पाओगे? करूंगा बाबा करूंगा। उंगलियों को अंगूठी से मुक्त कर। अभी लो बाबा, इन जमाओ खतीरा। निखेत, अबे क्या कर रहा है? हट, मेरी नहीं अपनी, उधर बैठ के, उधर बैठ। हट इधर से निकलूं। भगवान सोच समझ के हाइट बनाता है, हाइट के साथ अकल भी कम है। रिजेक्ट माल नाटू कहीं का। नेक्स्ट। बाबा ये वीर है। वीर है तो हम फकीर हैं, पत्थर की लकीर हैं। बोलो क्या कष्ट है? बाबा ये जागते हुए सपना देखते हैं। क्यों नहीं, सपना इतनी सुंदर है तो देखने में हर्ज क्या है? नहीं बाबा ये सपना नहीं है, तो मुस्कान है। मुस्कान, हेलो, आई एम बाबा, हाउ आर यू? क्या कष्ट है? बाबा इनको अजीब अजीब चीजें दिखाई पड़ती हैं। और तो और कल इन्होंने अपनी ही शक्ल का आदमी देख लिया। समझ गया समझ गया समझ गया, पूरी कहानी समझ गया। पुनर्जन्म का चक्कर है, दो जुड़वा भाइयों की कहानी है, करण अर्जुन। यो भाई करण, करण डोंट ट्रेन करण, मैं अर्जुन, अर्जुन मार्च अप्रैल में चून अर्जुन करण। अरे माँ तुझे बहुत मिस करती है। मच्चा करण मच्चा, अरे ठाकुर दुर्जन सिंह ने हमें मरवाया था, याद है तुझे? अरे आज भी रोती है माँ, मंदिर जाती है रोती है, माता से लड़ती है, कहती है माँ तू भी तो माँ है मेरे, करण अर्जुन मुझे लौटा दे। अरे बहुत रोती है माँ, अरे आज भी बैलगाड़ी में बैठ के जाती है सरसों के खेतों में, पीले पीले फूल कैसे गया तू भूल, आज भी पागलों की तरह बैलगाड़ी में बैठ के निकल पड़ती है और गाती है, ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। मुस्कान खतीरा। बाबा ये ठाकुर के इकलौते पुत्र हैं, इनका कोई भाई भाई नहीं है। मैं इस जन्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पुनर्जन्म की बात कर रहा हूँ। पहले बोला ना तुझे खोपड़ी फेंक के मारूंगा, ठीक है? मुस्कान इस समस्या का पता चल गया है, 1000 रुपए यहाँ रख दो। और इसका हल निकालने के लिए बहुत तकलीफ उठानी पड़ती है, बहुत दूर जाना पड़ता है मुझे, 4000 रुपए लगेंगे। मगर मुस्कान तुम्हारे लिए 3000। आ जाओ आ जाओ, डिस्काउंट है। बाबा आप हल्की चिंता मत कीजिए, गांव से 50 हल इकट्ठे करवा दूंगा। लीजिए। मेरे गुरु की खोपड़ी है ये। इनको भी नमस्ते। शिव बोटी मंगा लेना। नेक्स्ट। प्रणाम बाबूजी। कहाँ से आ रहे हो बेटा? बाबूजी जिंदा रहे पुत्र। अरे बाबूजी बहुत ही अद्भुत समाचार, बहुत ही प्रसन्नता का विषय बाबूजी, सारी शंकाओं का समाधान हो गया है बाबूजी, अब हमारे वीर को किसी प्रकार का कष्ट इस जन्म में नहीं है। हाँ थोड़ी सी जटिलता पुनर्जन्म की है और थोड़ी सी यादाश्त की, तो उस समस्या का समाधान बाबा खोज रहे हैं। बाबा कौन बाबा? बाबा, अरे बाबूजी बाबा को नहीं जानते आप?
ले कर लो बात, बाबूजी को बाबा के बारे में नहीं पता। अरे बाबूजी, सारी खुदाई एक तरफ और बाबा की दवाई एक तरफ। अब आपको किसी नीम हकीम वैद्य के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। बाबा के पास क्रोध के कष्ट का निवारण भी है और अपनी भी लंबाई का उपचार बहुत अच्छे से हो रहा है बाबूजी। साल भर के अंदर देखिएगा, बगैर डंडे के आम तोड़ूंगा ऐसे। अबे चुप! हमार बेटवा को किसी बाबा के पास ले जाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, बोल। हम थोड़ी ना ले गए थे बाबूजी। क्यों वीर, ये तुझे किसी बाबा के पास ले गया था? बाबूजी, लेकिन ये हमारी कोई गलती नहीं बाबूजी, ये तो हमें बाबूजी ललन लेके गए थे बाबूजी बाबा के पास। अरे काहे झूठ बोल रहे बाबूजी? मुस्कान, बाबूजी को बताओ ना। क्यों मुस्कान? बेटी, तुम्हारी अकल क्या घास चरने गई रही? वीर को तुम उस बाबा के पास लेकर क्यों गई थी? हम क्या करते बाबूजी, जहाँ वीर जा रहे थे हम भी चले गए पीछे पीछे। अच्छा, और सुनो लल्लन जी, हमार बिटवा को कुछ नहीं हुआ है, बिल्कुल हट्टा कट्टा है, उसे किसी के पास इलाज के लिए ले जाने की जरूरत नहीं है। अब एक काम करो जी, मुस्कान को उसके घर छोड़कर आओ। जी बाबूजी। जा बेटी, चलो। क्या बात है बेटा, क्या अपने बाप पर भरोसा नहीं रहा जो तू इन पाखंडियों के पास जाने लगा? अरे मैं कहता हूँ तू बिल्कुल ठीक है, आज के बाद तुझे किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। जी बाबूजी। हाँ, शतरंज की बाजी खेलेगा मेरे साथ? नहीं बाबूजी, मैं जरा माँ से मिल के आया। ठीक है, हार जा। हाँ? बहुत गुस्से में बाबूजी। ओए पुत्र है, तू फिक्र ना कर। कर्नल के लिए क्या निशान है? फौज में था मैं, सरहद पे दुश्मन की गोली खाई है, उसी का निशान है ये। अच्छा। हाँ, गोली का निशान है तो फिर ये सब खाए बाबूजी? तुम भी आ गए अंकल की बातों में, ये आर्मी में थे जरूर, लेकिन इनसे पूछो ये करते क्या थे उसमें। अरे बताना मेरे बेटे को। ओए पुत्र, क्या है, मैं फौज में जरूर था लेकिन किचन में काम करता था। दरअसल ये तार चुभ गया था, अब ये बोलना तो अच्छा नहीं लगता कि तार चुभ गया था, गोली लग गई थी, ये बोलने में अपनी शान होती है ना। कांटे वाला तार? हाँ पुत्र। अच्छा, अब कितनी देर अपने बाप के सामने नंगा खड़ा रहेगा, जा अंदर जाकर कपड़े पहन के आ। जी बाबूजी, मैं शर्ट पहन के आता हूँ। हमारी हमेशा से ये कोशिश रही है कि और भी जो पिछड़े हुए गांव हैं, हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर तरक्की के रास्ते पर चलें और तरक्की करें। हमें ये बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि हम अपनी हर कोशिश में कामयाब होते जा रहे हैं। हम वादा करते हैं। इस गांव के वीर को मुस्कान का नमस्कार। आइए मिस्टर वीर, कम सिट बाय माय साइड। ये तुम्हारे चीफ मिनिस्टर, हम तुम्हारे होम मिनिस्टर। ये तुमका आंसू देंगे, हम तुमका मुस्कान। ये तुमका 7 मिनट में छोड़ के चले जाएंगे, हम तुमका 7 जन्म तक नहीं छोड़ेंगे। इनकी कतनी करनी में अंतर है, हमारी कतनी करनी में कौनो अंतर नहीं। ये तुम्हारा घर उजाड़ देंगे, हम हमारा घर उधर बसाएंगे। समझे मिस्टर वीर? ये है पहुंची। Thank you.
चीफ मिनिस्टर साहब वो आपको गोली मार देगा चीफ मिनिस्टर साहब, वहां से वो उधर कुछ नहीं हो बेटा, क्या है उधर कुछ भी तो नहीं है। कौन है ये क्या मजाक है? मंत्री जी ये मेरा बेटा है, कुछ दिनों से इसकी तबीयत खराब है, अजीब अजीब चीजें देखता है, इसे माफ कर दीजिए साहब। ठीक है ले जाइए संभालिए इसे। तू तो मुझे बचपन से जानता है ना? हाँ। फिर मुझे मेरे साथ ही होता क्यों है? क्या है क्या? अरे फिर क्या कैसे क्या भैया, आपको कुछ नहीं हुआ, आप बिल्कुल ठीक हो। तुझे मालूम मेरी याददाश्त कैसी गई? तुझे पता तो मुझे बता दे, तुझे मेरी कसम। अरे भैया इसमें कसम वाली क्या बात है, आप सुनकर यही कहोगे कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया वो भी मरी हुई है। फिर भी अभी बता देता हूँ, एक दिन की बात है आप मेरे पास आए और बोले चल ललन जंगल चलते हैं शांति की तलाश में। हम सोचे हमारी शांति की बात कर रहे हैं आप, हमने आओ देखा ताओ और हम चल पड़े आपके साथ। जंगल में शांति बांति तो मिली नहीं, उल्टे मिल गया भालू, हम तुम अकेले और उधर भालू, और भालू जो छुट्टे साड़ी तरह हमारी तरफ लपका तो भैया हमारी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और हम लपक कर पेड़ पर चढ़ गए। ऊ वक्त के लिए हम साथ छोड़े थोड़ा सा, आप तो ठहरे वीर, आप उसका मुकाबला करने के लिए तैयार हो गए। तो झूठ बोल रहा मुझसे? अरे झूठ कैसे बोल रहा हूँ, आप आगे तो सुनिए। बहुत देर तक आपका रोमांचक मुकाबला हुआ और इधर उधर भिड़ंत हुई आपकी, और उस भिड़ंत में भालू ने आपको पंजा मार दिया। अरे अरे भैया सुनिए तो, पंजा मारा भैया, और उसकी वजह से आपकी ये दशा हो गई है। आप हम लोगों पे विश्वास क्यों नहीं करते हो? और एक बात बताएं भैया, आप हमसे ऐसे किस्से मत पूछा करिए, हमें बहुत तकलीफ होती है, अतीत मत जाओ, कोई फायदा नहीं है। आप जैसे भी हो हम सब आपको बहुत प्यार करते हैं, आप बहुत अच्छे हैं। वीर, ये मुस्कान काहे रो रही हो? काहे रो रही मुस्कान? स्टूपिड हो गए हो का? ये तो खुशी के आंसू हैं। अच्छा हम तो घबरा गए थे। तुमसे कुछ कहना चाहते हैं वीर। कहो। I love you. I love you. Love you. हम भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं मुस्कान। I love you too. I love you too. और एक बात कहें। कहो। हम बिल्कुल नारियल की तरह हैं। क्या? बाहर से कड़क, अंदर से नरम। हमारा दिल बहुत सॉफ्ट है। तो हम भी तो सेम टू सेम है ना, हमारा शरीर पत्थर की तरह और हमारा दिल बिल्कुल मोम की तरह। जानते हैं बुद्धू, इसलिए तो तुमसे प्यार करते हैं। अच्छा हमने तुमको दिल से अपना पति माना है, आज से हमारा धर्म है तुम्हारी सेवा करना और तुम्हारा फर्ज हमारी रक्षा। हमें कभी मत छोड़ना वीर, हम तुम्हें बहुत खुश रखेंगे। तुम भी हमको छोड़ के कहीं ना जाना, हम भी तुम्हारे बिना जी ना पाएंगे, ना जी पाएंगे तुम्हारे बिना। ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? अरे बेटा हम जानते हैं तुम क्या कर रहे हो और हम बहुत खुश हैं। अरे भगवान तुम दोनों को हमेशा सुखी रखे, खुश रखे। मेहंदी है
सबने मंजूर किया है सबने ओ मौका ये दिया है रब ने मंजूर किया है सबने है शगनों वाली ओ ये घड़ी है शगनों वाली है रसम मुरादों वाली सजेगी तो मेरी दुल्हनिया बनेगी ले जाएंगे चांद चुरा के शगनों की चुनरिया उड़ा के मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? तू वैसे साले अपने आप को बहुत बड़ा सियाणा समझता है मुंबई में तो अपुन समझा तू लुढ़क गया होगा लेकिन मैं तो कभी मुंबई गया ही नहीं बाबूजी अबे गया नहीं तो क्या हुआ हा? मगर आया तो वहीं से है ना इतने दिन से यहाँ है अपने भाई को मिलने नहीं आए वहाँ भाई ये क्या हो रहा है बाबूजी कौन है आप लोग ए देख वही है ना हम
बेरहमी हो रही है, ये मेरा बेटा है। अच्छा तू इसका बाप है, पहले तुझसे निपट लेता हूँ। हाँ निपट मेरे से। हाँ देख तू तेरी बीबी विधवा बन के कैसी लगती है, मिटा दे सिंदूर इसका। हाथ नहीं लगाना उसको। मुझे मारने क्यों आए थे, और ये मुंबई क्या बोलते बाबूजी? मां तुम ही बताओ मां। मुझे नहीं पता बेटा। आपकी आंखें बता रही कि आप लोग झूठ बोल रहे हो। वो कौन सा राज है बाबूजी? मां वो कौन सा राज है जो आप लोग मुझे बता नहीं रहे? बताइए मुझे प्लीज, क्या सच्चाई मुझे प्लीज बताइए आप लोग। तुम कैसी बातें कर रहे हो बेटा? नहीं गीता, इसे सच्चाई बताने का वक्त आ गया है। तू मेरा बेटा नहीं है। क्या क्या बोल रहे बाबूजी आप? क्या मैं आपका बेटा नहीं हूं? मां देखो बाबूजी क्या बोल रहे, कि मैं आपका बेटा नहीं हूं। आप झूठ बोल रहे बाबूजी, बाबूजी आप झूठ बोल रहे। अगर बाबूजी यही सच्चाई थी तो क्यों बताई आपने मुझे? मुझे नहीं जानना यह सच्चाई। बाबूजी अगर मैं आपका बेटा नहीं हूं तो मैं कौन हूं, और मां वीर कौन है? बताता हूं बेटा, हमारा बेटा तो वीर। माँ बाबूजी। अरे वीर आ गया। अरे वीर बेटे तू कैसे आ गया अचानक बिना बताए? सरप्राइज बाबूजी, छुट्टी मिली दौड़ा चला आया। और ये रहा दूसरा सरप्राइज। ये क्या है? माँ ये 3-in-1 है, अब घर का पुराना रेडियो फेंक दो और इसे रख लो। बेटे नई नई चीजें देखने में बड़ी अच्छी लगती है लेकिन उनको चलाना बहुत डिफिकल्ट होता है। बिल्कुल नहीं बाबूजी, बहुत आसान है। ये देखिए, ये रहा टेप रिकॉर्डर, ये है सीडी, और ये रेडियो। ये आकाशवाणी है। एक जरूरी सूचना, कारगिल की जंग शुरू हो गई है। जितने भी जवान छुट्टी पर गए हैं उनसे अनुरोध है कि अपने अपने रेजिमेंट को रिपोर्ट करें। धन्यवाद। जल्दी जाना था तो तू आया ही क्यों? माँ कारगिल वॉर जीत कर आऊंगा ना,
तो बहुत दिन रहूंगा। मैंने तो अभी तक तुझे जी भर के देखा भी नहीं। माँ, तेरी तरह भारत माता भी तो मेरी माँ है, उसकी भी तो हिफाजत करना मेरा फर्ज है। मुझे आशीर्वाद दे कि मैं कामयाब होकर लौटूं। बेटा, जब तू लौट कर आएगा मैं पूरे गांव को दावत दूंगा, बहुत बड़ा जश्न मनाऊंगा। लेकिन अभी तू जल्दी जा, वरना तेरी मां रोने लगेगी। और हां बेटवा, दो ही चार दुश्मन को मार के हमारे खाते में डाल देना। था ना बेटा कि तुझे कुछ याद क्यों नहीं आता है? तुझे 5 गोलियां लगी थी, तू 8 महीने तक बेहोश पड़ा था, तेरी मां दिन रात तुझे अकेला नहीं छोड़ती थी, और जब तुझे होश आया तेरी याददाश्त जा चुकी थी। मगर होश में आते तूने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, मुझे लगा मुझे मेरा बेटा मिल गया। बेटा, तेरे प्यार ने हमें इतना खुद कर्ज बना दिया, इतना खुद कर्ज बना दिया कि हमने कभी तुम्हें सच्चाई बताई नहीं। बेटा, हम डरने लगे कि सच्चाई जानकर तू हमें छोड़कर चला जाएगा। हमें माफ कर दे बेटा। ये क्या कह रहे बाबूजी? अपना समझ के माफ कर दे। ऐसे मत कही बाबूजी। बाबूजी, मुझे दुख तो इस बात का है कि आप लोग मेरे मां बाप क्यों नहीं हो? इतना प्यार दिया आप लोग ने मुझे, कोई मां बाप अपने सगे बेटे को भी नहीं देता। मत रो बेटा, तू हमारा ही बेटा है। हमने भले ही तुम्हें राज बता दिया हो, पर तू कभी ये मत सोचता कि हमारे प्यार में कोई कमी आएगी। कभी नहीं बाबूजी, कभी नहीं। बाबूजी, माँ, अगर आप लोग मुझे आ गए थे तो मैं कुछ दिनों के लिए मुंबई जाना चाहता हूँ। बेटा, मैं भी तेरे साथ चलूंगा। नहीं बाबूजी, ये जंग मेरी है, आप मुझे इसे अकेला लड़ने दीजिए। जल्दी आना बेटा। जी बाबूजी। और हमारे दूसरे बेटे को भी ले आना। जी। हाँ? जी। हाँ? तुम हमसे कहा गए कि हमको भालू ने मारा था? हाँ, अपना ख्याल रखना, हमेशा अपनी साइड से जाना, बहुत गाड़ी मोटर है वहाँ, और अपने भाई को ढूंढ के जरूर लाना और लौट के जल्दी आना भैया। भाई, तुम जहाँ जाओगे हम उस साथ जाएंगे। ये भगत नहीं मुस्कान, और तुमने हमसे कहा कहा था कि हमको गुंडों ने मारा था? तो झूठ बोल रहे थे, तुमका तो सिर्फ 5 गोली लगी रही बस। अब हम जाना थे, तुम यहां से कहां पा रही हो? मेरा आपका डर लगा थे। काय बात का,
को तुम्हार पुरान जिंदगी में कौनो दूसर लड़की भाई तो तुम्हार बैठ लग और हमार गुड लग फिर हम तुमको ना भूल पाएंगे नहीं आया तो नहीं बाबूजी मैं जरूर वापस आऊंगा मैं जरूर वापस आऊंगा बाबूजी डरो मत हमारा बेटा जरूर वापस आएगा जरूर वापस आएगा का मस्तरी का पढ़ लेता हूँ मैं बाबा पहले मेरा हाथ दक्षिणा रख बेटा बुरा मत मान बेटा बगैर दक्षिणा के मुझे हाथ की रेखाएं उत्तर की दक्षिण दक्षिण की उत्तर नजर आती है बेटा हाँ, वो तो है लीजिए धन्य है धन्य है गुरु मंगल मंगल गुरु लाभदायक है बाकी जूते खाने लायक है परंतु गड़ा हुआ धन मिलने की संभावना है फावड़ा हाथ में रख ले लाभदायक है बाबा मेरे पास फावड़ा नहीं है तो जल्दी भाग आवड़े ले ले फावड़े निकल ले बगर बोले बेवड़े अस्त्रेखा मस्त्रेखा सबसे महत्वपूर्ण फिल्म वाली रेखा 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 टिकट प्लीज बाबा टिकट टिकट मांग रहे हो बेटा तुझे टिकट मिलने वाला है बहुत जल्दी बेटा कैसा टिकट बाबा अरे मंत्री बनने का योग है बेटा वो भी रेल मंत्री क्या अरे मुंबई कहाँ जा रहा जा दिल्ली वहाँ की खाली कुर्सी तुझे अपनी तरफ खींच रही है बेटा आप सच कह रहे हो बाबा अरे छोटा आदमी हमेशा छोटा सोचता है अरे बड़ा सोच मेरा बेटा इलेक्शन लड़ उतारे कोट और पहन ले खादी का कुर्ता मेरा बेटा बाबा मैं मंत्री बनूंगा ना बाबा अरे उतार मैं इलेक्शन लड़ूंगा बाबा मैं बनूंगा अरे बन गया मिनिस्टर फॉर रेलवे बाबा की जय रेखा का कमाल है बचा लिया अरे हाथी क्या बाबा शक्ल देख के नाम भी बता सकता है इसका नाम वीर है पूछो पूछो अपने गांव राजगढ़ से आ रहा है ना गांव में तुझे पाखंडी बाबा मिला था है ना हाउ इज मुस्कान और अपने भाई को ढूंढने मुंबई जा रहा है मत पड़ना इन पाखंडी बाबाओं के चक्कर में भगवान का नाम ले और सीधे चले जा बच्चा चले जा सब ठीक हो जाएगा बाबा की जय अस्त्रेखा मस्त्रेखा आउटस्टैंडिंग रेखा पैंट स्टैंड की रेखा रेखा बड़ा हाथ मारा छोटा हाथ मारा बड़ा हाथ मारो उस्ताद लेकिन जिसका मारा वो पीछे आ रहा है घबरा मत आंधे साले को ये आ गया उस्ताद अबे अबे किसका पर्स मारा अबे किसका पर्स मारा तू जानता नहीं ने अरे चल लौटा इनका पर्स चल लौटा भाई इससे गलती हो गई धंधे में नया भाई ये मुझे नहीं जानता
तुम तो जानते हो ना। आपको कौन ही जानता भाई, बताओ मैं कौन हूँ? आप बुरा मान गए भाई। नहीं बताओ मैं कौन हूँ, क्या मजाक कर रहे भाई? देखो मैं तुम मुझे बताओ क्या तुम मुझे जानते हो? अगर मैं जानता तो साहब आपका पर्स नहीं मारता। मैं इतना जानता हूँ मेरा बॉस सिर्फ दो ही लोगों से लड़ता है, या पुलिस से या भाइयों के आदमी से, और दोनों में से कोई आप एक हो। पता ऐसा भी क्या हो गया रे, जाने मुझे क्या हुआ रे। धड़कने बढ़ी, धड़कन तो रुक सी गई, सांसों का क्या, सांसें भी बस में नहीं। अरे रे रे ये मुश्किल छुपाना, उससे भी मुश्किल बताना, दिल की बातों को लेकिन अपनों से ना छुपाना। कहना चाहूँ मैं लेकिन कुछ कहा भी ना जाए, इसकी दवा, इसकी दवा कुछ नहीं। अब होगा क्या, अरे मुझको पता ही नहीं। अरे रे रे ये क्या हुआ रे, जाने मुझे क्या हुआ रे। ये बेखुदी है, मैं कहाँ हूँ मुझे तो कुछ खबर ही नहीं है। कुछ तो खबर लो तुम जरा अपने दिल की, दिल तो मेरा अब पास मेरे नहीं। तेरा हुआ क्या करूँ रे, अरे रे रे प्यार
हो गया रे तुझसे ही प्यार, 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 हो गया रे। Hey, अंदर कुछ आता नहीं? मेरा बॉस सिर्फ दो ही लोगों से लड़ता है, या पुलिस से या भाइयों के आदमी से, और दोनों में से कोई आप एक। भगवान मेरे बेटे की रक्षा करना। اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يا الله یہ تو تنے یاد دلا دیا کہ میں کیا ہوں اب یہ بھی یاد دلا دے کہ میں کون ہوں میں تیرا معصوم بندہ ہوں میری حفاظت کر علی अली भाईजान, अली भाईजान, भाईजान, भाई, क्या तुम हमको जाना था? क्या? क्या तुम मुझे जानते हो? मेरे भाई किसी तकलीफ में, देखो अगर तुम मुझे जानते हो, तो तुम मेरे भाई को भी जानते होगे। बता दो मेरा भाई कहाँ है और किस तकलीफ में है? मैंने कहा था ना तुमसे कि मुझे अपने से दूर मत करो वरना तुम मुझे भूल जाओगे। तुम सही कह रहे हो, मुझे कुछ भी याद नहीं है। अरे कोई एम्बुलेंस को बुलाओ। अभी कोई फायदा नहीं, अभी आप पहले जैसा कुछ नहीं बचा। तुम यहां से चले जाओ, यहां से चले जाओ तुम। और तुम्हारा एक भाई था याली लिल्ला मोहम्मद रसूलुल्लाह। We'll be right back.
ऐसा भी जगह कहा है? ये जगह कहाँ जगह? अरे पता ही कहाँ जगह है वैसा? ये जगह नूरमल्ला। कहाँ ये? भाई कला। सर वो यहां बस्ती तक पहुंच गया है। बेहद खुशी हो रही है। नंबर 3 पर हैं मिस्टर उदय राघवन और नंबर 2 पर हैं मिस्टर इंदर सक्सेना। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। और फ्रेंड्स, हर साल की तरह इस साल भी निशानेबाजी में फर्स्ट प्राइज जीता है मिस्टर अली ने। कांग्रेचुलेशंस मिस्टर अली। ये तुम्हारी खूबसूरत आंखें किसको ढूंढ रही हैं? है कोई? कौन? एक बात बता, तुम्हें ये निशानेबाजी किसने सिखाई? उसी ने जिसने प्यार करना सिखाया। तो फिर तुम्हारा निशाना चुका कैसे? मेरा निशाना कहाँ चुका? मैं जिससे प्यार करती हूँ वो मेरी बाहों में है, मेरे दिल में है, मेरी जिंदगी में है और हमेशा रहेगा इंशाल्लाह। सुना, एक बार कह दो ना। क्या? कि तुम मुझसे प्यार करती हो। ये भी कोई कहने वाली बात है? फिर भी जब तुम कहती हो तो बहुत अच्छा लगता है। अली
मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। और तुम? उससे कहीं ज्यादा। कहीं कहीं ज्यादा। अल्लाह करे ने किसी की नजर ना लगे, कितनी अच्छी जोड़ी है ना इंद्र भैया। रहीम चाचा कितने खुश नजर आ रहे हैं। वाह वाह वाह, मैं तुम लोगों का इंतजार कर रहा था। अस्सलाम वालेकुम चाचा। थैंक यू। सलाम वालेकुम चाचा। थैंक यू बेटा। थैंक यू। मुबारक हो चाचा। थैंक यू। मुबारक हो चाचा। थैंक यू बेटा। इतनी देर कहां लगा दी तुम लोगों ने? चाचा वो आज हमारा शूटिंग कंपटीशन था। अच्छा अच्छा, आगे मैं समझ गया। अली फर्स्ट आया होगा, तुम सेकंड आए होगे। इसमें कौन सी नई बात है चाचा, ये तो हर साल होता है। हर साल होता आया चाचा, पर अगले साल मैं फर्स्ट आऊंगा। अगले साल कब आएगा भैया? अगले साल। ओए साल का बिल काय को दिया भाई, अबे तलक एक दाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया, खुदा से डरो यार। ओए दिलबर खान उर्फ केबल मामू, नई जगह के नए रूल, उधारी खाते बंद कर दिए, पुराने बिल चुकता करो। ओ खुदा दे वाख ले रहीम चाचू, तुम कैसा बेमुरवती का बात करते यार। हा? तुम्हारा होटल का पहला दिन, हमारा दोस्ती का आखिरी दिन, हम तुमसे कभी पैसे का बात किया? अरे वो तुम्हारा सड़ेला वो झोपड़ा पार्टी का होटल का अंदर हम केबल कनेक्शन मारा, हम तुमसे पैसा मांगा? तुम्हारा ये नवा होटल का इनॉग्रेशन है माशाल्लाह सुभान अल्लाह, इसका अंदर में केबल का कनेक्शन मारा, तुम्हारे से पैसा मांगा? फिर हमारा भी हिसाब चुकता करो भाई। ठीक है, हम करता है चुकता, 100 रुपए के हिसाब से हम तुमको देता है केबल का पैसा, तुम हमारा खाने का बिल दो। ओ यार चाचू, तुम भी कमाल का गुलफाम है मेरा भाई, तुम दिलबर खान का इतना सा मजाक नहीं समझते। खुदा तुमको नेकी देवे, तुम मेरे को एक बात का जवाब दो यार, तुमको क्या गम? तुमको ना तो बेगम, अच्छा बेगम नहीं है तो ना सही, तुम्हारा तो कोई औलाद भी नहीं, फैमिली भी नहीं, करेगा क्या इतना पैसा यार। अरे फैमिली कैसे नहीं है हमारा, इतना बड़ा फैमिली है, ये अली है, महक है, अजान है, इंदर है, फैमिली कैसे नहीं है? खुदा तुम्हारा फैमिली को बरकत दे दे और अली को थोड़ी सी अकल दे, ताकि इन दोनों का निकाह हो जाए, छोटा छोटा बच्चा हो जाए, तो हमारा परिवार और बड़ा हो जाए। अली और अकल मुश्किल है चाचा, अली में इतनी अकल होती तो अपने भाई को यहाँ रख कर बिगाड़ने की बजाय किसी अच्छे बोर्डिंग स्कूल में भेज देते। इसको पढ़ा लिखा कर काय को छोटा आदमी बनाता है यार, इसको केबल मामू के पास भेजो, हम इसको केबल कनेक्शन का धंधा करने को सिखाएगा, बड़ा होके बड़ा आदमी बनेगा। रहीम चाचा आपका फोन है। अरे बेटा बोल, बाद में फोन करेगा। हाँ। कोई बहुत बदतमीजी से बात कर रहा है। मैं देखूं? ना ना, बदतमीज दोस्त होगा कोई बचपन का, दुश्मन तो हमारा कोई है नहीं। हेलो कौन सा बोल रहा है? एम के शर्मा, जॉइंट कमिश्नर क्राइम ब्रांच मुंबई पुलिस। नमस्ते। देखो आजकल तुम लोग पेपर में पढ़ रहे होंगे, टीवी पर भी तुम लोग देख रहे होंगे कि अंडरवर्ल्ड को लेकर कितनी प्रॉब्लम है। अंडरवर्ल्ड से कनेक्टेड जितने भी शूटर हैं, गुंडे हैं, उनका कोई इलाज नहीं, उनका सिर्फ एक ही इलाज है कि उन्हें मार डालो। अगर जिंदा रहेंगे तो समाज में और गंदगी फैलाएंगे, और जब ये काम पुलिस वाले करते हैं तो ये समाजसेवी संस्थाएं और ये ह्यूमन राइट्स कमीशन वाले हंगामा खड़ा कर देते हैं, कहते हैं पुलिस सख्ती कर रही है, इनके खिलाफ एक भी आदमी गवाही देने को तैयार नहीं, नतीजा ये लोग छूट जाते हैं और सब लोग कहते हैं पुलिस करप्ट है, बेईमान है। सर लेकिन ये आप हमें क्यों बता रहे हैं? और सर हम लोग आपके लिए क्या कर सकते हैं? देखो जिस कानून ने पुलिस वालों के हाथ बांध रखे हैं, उसी कानून ने उन लोगों को कुछ भी करने की आजादी दे रखी है, इसलिए हमने और होम मिनिस्टर साहब ने मिलकर एक सीक्रेट प्लान बनाया है, जिसमें हम लोग ऐसे लड़कों को ढूंढेंगे जिनका निशाना बहुत अच्छा हो और वो पुलिस के लिए अंडरवर्ल्ड के लोगों को मारेंगे, और न्यूज ये बनेगी कि अंडरवर्ल्ड की आपसी लड़ाई में वो लोग मारे गए। इस काम के लिए मैंने तुम दोनों को चुना है, और वो इसलिए चुना है क्योंकि तुम दोनों ने निशानेबाजी में बहुत सारे इनाम जीते हैं। तुम लोगों को हर बुरा आदमी मारने के लिए 25,000 रुपए दिए जाएंगे। सर हम लोग टारगेट वाले हैं सर, हम किसी की जान नहीं ले सकते सर, ये खून खराबा का काम, जिसमें जान जाए सर हमें माफ कर दीजिए सर, हम नहीं कर सकते। सर गलीब भी है सर। चल 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 भाई साहब।
अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, ईद का है यारो ये पयाम। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, ईद का है यारो ये पयाम। ये ईद का त्योहार है, खुशियों का है त्योहार। ये ईद का त्योहार है, खुशियों का है त्योहार। ना तेरा है ना मेरा है, ये सबका है त्योहार। ये प्यार का पैगाम है, ये प्यार का पैगाम। मुबारक ईद मुबारक, ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक। चाहे वो रहमान हो या भाई अपना राम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको है सलाम। प्यार ही आगाज हो और प्यार ही अंजाम, खुशियों के इस मौसम की कभी ना आए शाम। ये ईद का त्योहार है, खुशियों का है त्योहार। ना तेरा है ना मेरा है, ये सबका है त्योहार। ये प्यार का पैगाम है, ये प्यार का पैगाम। मुबारक ईद मुबारक, ईद मुबारक, हाय मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक। मुबारक ईद मुबारक, सभी को ईद मुबारक। मुबारक ईद मुबारक, सभी को ईद मुबारक। हाँ, जो भी समझे प्यार को, वो है सबका यार। प्यार नहीं तो कुछ भी नहीं, प्यार से है संसार। ओए ईद ते जब भी पाके यारो रब दा शुक्र मनाइए। ईद ते जब भी पाके यारो रब दा शुक्र मनाइए। और तेरा मेरा झटके यारो सबनू गले लगाइए। कि मैं झूठ बोलिया और कि मैं कुफर तोलिया, कि मैं झूठ बोलिया कि मैं कुफर तोलिया, कि मैं झूठ बोलिया कि मैं कुफर तोलिया। प्यार का पैगाम। मुबारक ईद मुबारक, ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, ईद का है यारो ये पयाम। ये ईद का त्योहार है, खुशियों का है त्योहार। ना तेरा है ना मेरा है, ये सबका है त्योहार। ये प्यार का पैगाम है, ये प्यार का पैगाम। मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक। हॉस्टल छोड़ो, बोरियो बस उठाओ और सीधे घर चले आओ। अच्छा ऐसे ही?
बिना शादी किए लोग क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं कि शादी तक के इंतजार नहीं कर सकते। वाह वाह, अली साहब शादी के बाद तो आप ही के पास आके रहना है। हम्म, तो आजा कर लेते। कभी तो लाइफ में सीरियस हुआ करो तुम भी ना। सीरियस? अच्छा, बहुत सीरियस हूँ। तो सीरियसली मुझे एक बात बताओ, उस दिन वो कमिश्नर क्यों आए थे? वो चाहते कि इंदर और मैं पुलिस के लिए अंडरवर्ल्ड वालों को मारे। तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया? ये भी कोई काम होता है? मना करके आए, मना करके आए। मेरी कसम, तुम्हारे खूबसूरत सर की कसम। ओके, गुड बॉय। और इसी बात पे चाचा के यहाँ चला जाए, क्योंकि वहाँ पे मुन्ना और इंदर वेट कर रहे होंगे। थोड़ी देर तो वेट करने दो ना। किस लिए? बस 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 एक बात पूछूं तुमसे? पूछो। अभी जो तुम वहां कह रहे थे, सीरियस? मना करके आए ना। शादी के बारे में अली, देखो खाली पेट पे कोई डिसीजन नहीं लेते। खाना खिलाती हूँ, आओ ना। एक बात बताओ चाचा, मैं भी आपकी तरह बहुत पैसे कमाना चाहता हूँ। ओ बेटा, तू हमेशा पैसे के पीछे क्यों भागता है? चाचा, जिसके पास होता है ना उसे उसकी कदर नहीं होती, जिसके पास नहीं होता है उसे ही उसकी कदर होती है। क्यों, अली के पास भी तो नहीं है? अरे चाचा, यही तो प्रॉब्लम है। ये पहला आदमी है 21वीं सदी में जिसे पैसों की कदर नहीं है। अस्सलाम वालेकुम चाचा। आ, आ, बेटा, वालेकुम अस्सलाम। खुशखबरी, खुशखबरी। सलाम वालेकुम चाचा। शादी करने का फैसला? गुड, वेरी गुड। चाचा ये कौन है? बुरा वक्त आ गया है बेटा। तुम लोग तो बचपन से देख रहे हो जब मैं बाकड़ा लगाया करता था, मेहनत मशक्कत करके यहाँ तक पहुँचा हूँ, ये होटल खोला है कि फोन आ गया। फोन? 5 लाख रुपया दो वरना मार डालेंगे। 5 लाख? खैर कोई बात नहीं, मैंने कमिश्नर साहब से बात की है तो उन्होंने ये सिक्योरिटी लगा कर दी है। लेकिन चाचा इसमें बहुत खतरा है। खतरा तो? चाचा मेरे तो हाथ पैर ठंडे हो गए हैं सुनकर, आप एहतियात से रहिएगा। हाँ बेटा, इसीलिए तो ये सिक्योरिटी है। चाचा जान का सदका माल, पैसे दे दो ना आप। हो तो दूं, अगर होते तब भी नहीं देता, क्योंकि जुल्म के आगे झुकना गुनाह है। खैरात कर दूंगा, उन लोगों को नहीं दूंगा। चाचा बिल्कुल सही, लेकिन बेटा बचपन से तुम्हें क्या सिखाया है? इज्जत, जिल्लत, शोहरत, मौत सब उसके हाथ में है। जो होगा अच्छा होगा। और खाना बहुत अच्छा बना है। आओ देखो, अजान तुम्हारा इंतजार कर रहा है। आओ, अरे आओ। अब वो सब टेंशन छोड़ो, एक खुशखबरी है। मुन्ना का एडमिशन हो गया। इसका एडमिशन बोर्डिंग में हो गया है। तुम लोग जाके फॉर्म जमा करा दो, पैसे मैंने जमा करा दिए हैं। चाचा और कितने साल हम पर करेंगे? खाना आपका खाते हैं, आपके घर में रहते हैं। अरे बेटा, धंधे वाला आदमी हूं मैं, घाटे का सौदा नहीं करता। इसमें भी मेरा ही फायदा है। इसमें भला आपका क्या फायदा हो सकता है चाचा? तुम्हारे माँ बाप नहीं, मेरे औलाद नहीं, तो फायदा तो मेरा ही हुआ ना। अजान, तमीज भूल गया? शुक्रिया अदा करो चाचा का। चाचा। ओ बच्चा, खूब दिल लगा के पढ़ना। हाँ जी चाचा। बैठ बैठ, खा खाना खा। सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम अस्सलाम बेटा, आओ क्या खाओगे? आज खाने नहीं, खिलाने आए हैं। या इलाही इल्लाह मुहम्मदुर रसूलल्लाह। चलो भाई उन्हें चारे, भाई उनको पकड़ो, उनको छोड़ने दे भाई। भाई उठो भाई, उन्होंने अपने चाचा को मार दिया। भाई अपने चाचा को मार दिया उन्होंने। भाई ये चाचा नहीं बाप है भाई,
लोगों पे पलते थे भाई। भाई कुछ मत करो, कुछ मत करो, तुम लोग खाली मेडल लेके घर में रखो, शूटिंग करो, कुछ मत करो, ये बॉडी बनाओ ऐसे ही, ये लोग कुछ नहीं कर सकते, चूड़ी पहन के बैठे तुम लोग, कुछ मत करो ऐसे बोलते हो ना। चाचा आजान। अली अली मुन्ना सही तो कह रहा है, ये अली मदद। अचानक माफ कर दो। तीनों को क्यों मारा? सर आपको मालूम नहीं सर, कितनी बेदर्दी से उन्होंने हमारे रहीम चाचा को मारा और साथ में आपके वो पुलिस वाले को भी। उनका कसूर क्या था सर? यही ना कि अपनी हलाल की कमाई से उन गुंडों को पैसे नहीं देना चाहते थे। हमसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ सर। अच्छा, जानते वो लोग कौन थे? कम से कम 10 बेगुनाह लोगों की हत्या उनके सर थी और तुम लोगों को एक रहीम चाचा की मौत देखकर इतनी तकलीफ हो रही है? अरे ना जाने कितने बेगुनाह रहीम चाचा ऐसे लोगों के हाथों रोज मारे जा रहे हैं, और यही बात मैं उस दिन तुम दोनों को समझा रहा था, लेकिन तब तुम दोनों की समझ में नहीं आई। खैर, मैं अब भी चाहता हूं तुम दोनों मेरे लिए काम करो, और वो जो कुछ भी हुआ उसे मैं संभाल लूंगा। अरे हाँ, ये उस किलिंग के पैसे लो। नहीं सर, इस काम के कोई पैसे नहीं लेंगे सर, वो हमारे अब्बू जैसे थे। देखा सर, अम्मी और अब्बा को तो बचपन में खो दिया था, फिर चाचा, सिर्फ हम ही बचे। अब मैं किसी को खोना नहीं चाहता, तू दिल लगा के पढ़ना और अपना ख्याल रखना, समझा? भाईजान, इतने दिन आपसे दूर रहूंगा, देखना आप मुझे जरूर भूल जाओगे। अभी मैं तुझे क्या बोल रहा था? मुन्ना ऐसे नहीं बोलते, डिस्टेंस ऑलवेज मेक्स द हार्ट ग्रो फॉन्डर। अपना ख्याल रखना मुन्ना। हाय गॉड ब्लेस, अल्लाह इसकी हिफाजत करे, खुश रहे। अली फिर से सोच लो, मुझे बहुत डर लग रहा है। डर तो मुझे भी बहुत लग रहा है महक, हमने सोच लिया अल्लाह हमें माफ कर दे, हम जो कुछ करें सही करें। Oh!
तुम दोनों ने बहुत अच्छा काम किया है। I'm really very happy. ये 25-25 हजार रुपए उस किलिंग के लिए। थैंक यू सर। ले लो। थैंक यू सर। और ये 25-25 हजार मेरी तरफ से। नहीं सर, इसकी क्या जरूरत है? नहीं, प्लीज। थैंक यू सर। एंजॉय योर न्यू ईयर। कैरी ऑन। क्यों कनके तेरी चूड़ी, क्यों चमके तेरी बिंदिया, क्यों कनके तेरी चूड़ी, क्यों चमके तेरी बिंदिया, क्यों छनके तेरी पायल, क्यों खनके तेरा कंगना। क्यों खनके तेरी चूड़ी, क्यों चमके तेरी बिंदिया। हाँ जवानी में ऐसा होता है, गोरी खनकता है कंगना, बजती है चूड़ी, मोहब्बत न समझे कैसा है अनाड़ी, मोहब्बत नहीं तो कैसी जवानी। रब ने बनाई है जोड़ी हमारी, मेरी चूड़ी और मेरी बिंदिया, मेरी चूड़ी मेरी बिंदिया, मेरी पायल कंगना, अपने होश गवां बैठे के तेरी चूड़ी, क्यों चमके तेरी बिंदिया। कैसे जियूंगी, अपनी मोहब्बत किसको कहोगी, कल जो भी होगा किसको खबर है, जरा सोचो तन्हा कैसे रहोगी, कैसे रहोगी। तेरे सदके हाँ मेरा सब कुछ तेरे सदके, सुन ले दिल भर जाने, अरे अपनी जान गवा दूंगा मैं तुझ पे ओ दीवाने। क्यों खनके तेरी चूड़ी, क्यों चमके तेरी बिंदिया, क्यों छनके तेरी पायल, क्यों खनके तेरा कंगना, क्यों खनके तेरी चूड़ी, क्यों चमके तेरी बिंदिया। बधाई हो, शादमानी हो, मुबारक हो। ओ यार अली, मेरे को बताओ, तुम तो बहुत अकलमंद है, मेरे को बोलो ये क्या है? पता नहीं मामू,
ओ ये अपना इधर में ऐसा कैमरा आया जिसने क्रिकेट और फौज का अंदर गपला करने वाला लोग को टेलीविजन के ऊपर रुलाया, अक्का हिंदुस्तान में तेलका मचाया। पर मामू हम इसका करेंगे क्या? ओ यार इंदर तुम तो बच्चा है यार, आली समझेगा मेरा बात। आली देखो अपना मोहल्ला का अंदर कितना खबीस आदमी लोग है, अपना औरत का साथ बेवफाई करता है, तो आप उन वैसा मजलूम औरत को ये कैमरा बेचेगा, वो अपना मर्द का पाकिट में रखेगा, उन लोग का फिल्म उतारेगा, रात को जा रही हूँ चप्पल मारेगा यार। मामू कहाँ अपने को इस लफड़े में फंसा रहे हो यार आप। ओ यार दिलबर खान का यकीन करो इसके अंदर बहुत फायदे। मामू मैं रख लूं? मेरा बच्ची है, तेरे को अली का ऊपर शक है? नहीं मामू, अली पे तो बहुत भरोसा है मुझे, मैं सिर्फ देखना चाहती थी ये चलता कैसे है। आज तुम रखो, हम इसका पैसा अली का पगार में से काटेगा, वैसे भी तुम हमारा पहला गिराकी है। डन मामू। शादमानी 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 हो। मैं क्यों कि तुम मुझ पे भरोसा नहीं करती? तुम पे तो चांद से भी ज्यादा भरोसा करती। फिर इसका क्या करोगे? इसका मैं नहीं तुम दोनों इस्तेमाल करोगे। जो भी बातचीत कमिश्नर के साथ की जाती है उसको रिकॉर्ड करना शुरू कर दो, क्या पता कल किसी वजह से कोई भी प्रॉब्लम हो जाए। तुम दोनों के पास क्या प्रूफ है कि तुमने जो कुछ भी किया कमिश्नर के कहने पे किया? इसलिए है ये। मैक, कमिश्नर साहब बहुत अच्छे इंसान है और बहुत भरोसे के इंसान है। अली नहीं, अली मैक सही बोल रही है, आज के वक्त में किसी का भरोसा नहीं करना चाहिए। थैंक यू इंदर, प्लीज। ओके ओके लो। इस बार जिस आदमी पर गोली चलानी है उसके लिए तुम दोनों को 5,00,000 रुपए मिलेंगे। 5,00,000? कौन है सर ये? माननीय मुख्यमंत्री साहब। क्या जी? सर आप हमें मरवाने पर क्यों तुले हैं सर, हमारा कसूर क्या है? और सर ये 5,00,000 रुपए हम करेंगे क्या, कब्र में डालेंगे? क्योंकि फांसी तो आप ही चढ़ा देंगे हमें। फांसी नहीं, तुम दोनों की जिंदगी बन सकती है। लेकिन सर आप चीफ मिनिस्टर को मरवाना क्यों चाहते हैं? अरे भाई मैं कहां मरवाना चाहता हूं, वो खुद मरना चाहते हैं। अरे सर मरने के और भी तो रास्ते हैं सर, जहर खा लें, फांसी पे लटक जाएं, बिल्डिंग से कूद जाएं, ट्रेन की पटरी पे लेट जाएं। सर मरते मरते हमको क्यों मरवा रहे हो? अब ये तो वही बता सकते हैं। तुम दोनों चलो मेरे साथ, कम। कैमरा ऑन है ना? आप हैं हमारे माननीय चीफ मिनिस्टर साहब। नमस्ते। और आप हैं हमारे होम मिनिस्टर मिस्टर सदानंद पांडे साहब। नमस्ते। सर जैसा मैंने आपसे कहा था, आप हैं मिस्टर अली और आप हैं मिस्टर इंदर। अच्छा अच्छा अच्छा, हमने तुम्हें जिस काम के लिए बुलाया है वो बहुत ही खुफिया है, बात जरा से भी बाहर नहीं जानी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें इस लायक समझा। सर आप हमें बात बताइए, बात बाहर नहीं जाइए। हमें इंटेलिजेंस से रिपोर्ट मिली है कि इस वक्त हमारी पार्टी की पोजीशन पब्लिक में इस तरह है कि कुछ भी हो सकता है, हम जीत भी सकते हैं और हार भी सकते हैं। और अगर हमारी पार्टी हार गई तो नेचुरली सरकार अपोजिशन पार्टी की ही बनेगी, और अगर वो पार्टी सत्ता में आ गई तुम तो जानते हो क्या होने वाला है। और फिर स्टेट का क्या होगा? तुम लोग तो जानते ही होगे कि मैं जैसा भी हूं, लेकिन स्टेट के लिए मैंने जी जान से कोशिश की है और मेरी ये कोशिश जारी रहे इसलिए मुझे पावर में रहना बहुत जरूरी है। माफ कीजिए सर, इसमें हम क्या कर सकते? तुम मुझ पर गोली चलाओगे और मैं मरूंगा नहीं सर। हाँ, क्योंकि मैंने बुलेट प्रूफ जैकेट पहना होगा और ये न्यूज हर अखबार टीवी चैनल्स इस पर आएगी कि चीफ मिनिस्टर पर जानलेवा हमला हुआ। पब्लिक की सिंपति मुझे मिलेगी और हमारी पार्टी फुल मेजोरिटी से जीत जाएगी। सर लेकिन ये काम बहुत खतरनाक है सर, इसमें आपकी जान भी जा सकती है। ये क्या बात कर रहे हैं, कमिश्नर साहब ने कहा है आपका निशाना कभी नहीं चूकता। सर सर मुझे मानना अलग बात है सर, आप बहुत अच्छे आदमी सर, कहीं गलती से सर ये काम मुझसे नहीं होगा। देखो तुम ये जो काम करोगे इनडायरेक्टली तुम जनता की मदद ही करोगे, और इस काम के लिए तुम्हें 10,00,000 रुपए भी मिल जाएंगे। 10,00,000? सर हम इस काम के लिए तैयार हैं सर। नहीं सर, नहीं सर, इसमें बहुत खतरा है सर। सर हम इस काम के लिए तैयार हैं। क्या बात कर रहा है तू पागल, कह रहा आज तक निशाना कभी मिस हुआ है? और फिर ये तो किसी को ना मारने के पैसे मिल रहे हैं। 10,00,000? 10,00,000 अली, 10,00,000? सर हम तैयार हैं इस काम के लिए, लेकिन सर पूरे 10,00,000 रुपए मिलेंगे ना? हाँ हाँ जरूर मिलेंगे, बाकी बातें तुम्हें कमिश्नर से पता चल जाएगी। कमिश्नर इन्हें साथ ले जाओ,
और जगह और प्लानिंग के बारे में अच्छी तरह समझाओ। यस सर, आइए। नमस्कार सर। नमस्ते सर। तुम मुझ पर गोली चलाओगे और मैं मरूंगा नहीं। कमिश्नर, इन्हें साथ ले जाओ और जगह और प्लानिंग के बारे में अच्छी तरह समझाओ। अली, क्या कर रहे हो तुम लोग? कुछ नहीं, दिमाग खराब हो गया है? चीफ मिनिस्टर को मारोगे? कौन मारा चीफ मिनिस्टर को? पागल हो गई, मरवाओगे? आओ इधर बैठो। मुझे कहीं नहीं बैठना है। जब से तुम लोगों ने ये काम शुरू किया है, मैं परेशान हो गई हूँ। पता नहीं कब क्या हो जाए। महक, चीफ मिनिस्टर महक, बैठो इधर। कम से देखो महक, हम लोग कोई गलत काम नहीं करने जा रहे हैं, इससे जनता की भलाई होगी। चीफ मिनिस्टर को मार के कौन सा भला काम करोगे तुम? सीधे फांसी हो जाएगी। हम उसे मार थोड़ी रहे हैं, वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहने होंगे। मुझे सिर्फ सीने में गोली चलानी है। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? निशाना चूक गया तो? इसका निशाना कभी चूका है? इंदर, डरो मत महक, अच्छी तरह से प्लानिंग हो चुकी है, कोई फिक्र की बात नहीं है। इस काम के लिए हमें 10 लाख रुपए मिल रहे हैं। अच्छा प्लान सुनो, तुम वीटी स्टेशन पे हमारा इंतजार करोगे। हम ये काम खत्म करते हैं, वीटी स्टेशन आएंगे, वहां से जाएंगे कुल्लू मनाली और वहीं पे शादी कर लेंगे। संभल के अली, बहुत संभल के। अली ने क्या किया? अली ने चीफ मिनिस्टर को गोली मार दी। ये क्या हो गया?
ये क्या हो गया? ये क्या हो गया बेटा? अल्लाह तेरी हिफाजत करे, अल्लाह मुझे माफ कर दे। जितनी पहचान सका किसान कमा पाई हूं मैं। देखिए पेपर्स बनने में आधा घंटा और लगेगा, आप प्लीज बाहर वेट कर सकते हैं। कौनवीर बेटा तू कहां है, कैसा है? बाबूजी। वीर बेटे क्या बात है? मेरे भाई और आपके बेटे की तलाश में जो आया था, अब उसको कोई तकलीफ नहीं बाबूजी, कोई तकलीफ नहीं उसको। बाबूजी वो इस दुनिया में नहीं रहा। मेरे बेटे पे तेरा दर्द समझता हूं, मेरा फौजी बेटा भी वही है। वो अपने छोटे भाई का बहुत ख्याल रखेगा वहां, उसे बहुत प्यार देगा, तू चिंता मत कर। और सुन बेटे, तू रो मत, रो मत। वीर ये लड़ाई उन्होंने शुरू की थी ना, तो इसे खत्म तू करना। जी बाबूजी। छोड़ना नहीं उन लोगों को। जी बाबूजी। बेटा तू कहां है, मैं आता हूं तेरे पास। तेरी बहुत याद आ रही है, मैं तुझसे मिलना चाहता हूं, तुझे देखना चाहता हूं। नहीं बाबूजी। किसी ने आजान को मेरे सामने गोली मारी और मैं उसे पहचान भी नहीं सका कि वो मेरा भाई है, क्योंकि 3 साल मुझे कुछ भी नहीं याद था। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकता, कभी माफ नहीं कर सकता। नहीं अली, खुद को सजा मत दो, खुद को सजा मत दो। तुम मुन्ना को खुश नहीं देखना चाहते। देखना चाहता। तो जहां मुन्ना है वो वहां हम सबसे कहीं ज्यादा खुश है। तुमने अपनी सारी जिंदगी उसका बहुत ख्याल रखा, आज ऊपर वाला चाहता है कि मुन्ना तुम्हारा ख्याल रखे। और अगर तुम अपने आप को इस तरह से तकलीफ देते रहोगे तो मुन्ना को भी बहुत तकलीफ होगी। बहुत तकलीफ होगी उसे। नहीं, मैं मुन्ना को कोई तकलीफ नहीं देना चाहता, कोई तकलीफ नहीं देना, कोई तकलीफ नहीं देना चाहता। अली मेरी शादी हो गई। किससे? मुझसे। इंदर कंग्रेचुलेशंस। मैं क्या करता यार, तुझे पता है तेरे जाने के बाद इसके साथ क्या क्या हुआ? पुलिस ने इसे कितना परेशान किया, इसे सुबह से शाम तक क्राइम ब्रांच में बिठा के रखते थे, बदतमीजी करते थे इसके साथ, पूछते थे बता तेरा आशिक कहां है, चीफ मिनिस्टर को गोली मार के भाग गया है। नहीं यार, मैंने चीफ मिनिस्टर को गोली नहीं मारी। मुझे मालूम है यार, मुझे मालूम है। इसे हॉस्टल से निकाल दिया, इसे कोई अपने पास रखने को तैयार नहीं था। ये पागल तो खुदकुशी करने जा रही थी, इसलिए मैंने इसे सहारा दिया यार। तूने बहुत अच्छा किया अंदर, बहुत अच्छा किया। पर अली तू इतने साल था कहां यार? 3 साल पहले मैं राजगढ़ की नदी में पड़ा हुआ मिला, कुछ भी नहीं याद मुझे। वहां मुझे बाबूजी, मां और एक लड़की मुस्कान, जिससे मेरी मंगनी हो गई। मैं तो यहां, ये क्यों हो गया यार? मैं तो आजाद के लिए आया था यहां पे,
अपने मुन्ना के लिए आया था और वो ही नहीं रहा। आइए, वो रहा। इंदर, इसी ने मारा आजान को। अली, इस समय भूल जा इसको। तू भाग यहां से, तू भाग यहां से। अली जाओ, भाग यहां से। ये क्या हो गया यार? ये बात तू मुझसे पूछ रहा है? चीफ मिनिस्टर को गोली मारने के बाद ये बात तू मुझसे पूछ रहा है? मैंने उसे गोली नहीं मारी। तो किसने मारी है? तेरी वजह से हमें सारी जिंदगी जेल में काटनी पड़ेगी यार। अरे नहीं यार, मैंने उसमें गोली चलाई भी नहीं यार। तेरी कसम, महक की कसम, मुन्ना की कसम, अल्लाह की कसम यार, मैंने उसे नहीं मारा है। अरे हाँ, मुझे याद आ गया। कौन? मुझे याद आ गया। मैंने क्यों इंदर? मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा ली। कमिश्नर साहब, मैं ये सोचा था कि आपकी चाल है, और आप ही सोचते हैं कि मैंने सीएम को मारा है। नहीं, मैंने सीएम को नहीं मारा, मुझे सब कुछ याद आ गया है। झूठ बोलते हो तुम। क्या याद आ गया तुमको? यही ना कि तुमने सीएम को यहां से गोली मारी, उसका भेजा, यहां से बाहर आ गया, ये सब तुमने किया ली? नहीं सर। सर मैं कहां खड़ा था सर? तुम ऊपर खड़े थे। तो सर अगर मैं गोली चला रहा सर, तो ऊपर से आती और यहां से निकलती। गोली यहां से गई है और यहां से निकली है। मैंने उसे नहीं मारा, उसे इंदर ने मारा है। इंदर ने किया? वो ये सब क्यों करेगा? ये देखिए सर, 5 गोली मारी उसने मुझे। क्यों? क्यों? ठीक है, अगर मैं तुम्हारी बात पर यकीन करूं तो तुम ये सब साबित कैसे करोगे? सर, जितनी भी हमारी मीटिंग्स हुई हैं, सहिंदर और मैंने हर मीटिंग को रिकॉर्ड किया है। रिकॉर्ड करते थे? जी सर, हमको आप पे भरोसा नहीं था सर। मुझे यकीन है कि इंदर आज भी करता होगा। सर मुझे 2 घंटे दे दीजिए, मैं आपको सारे सबूत ला के दिखा दूंगा। ठीक है अली, मैं तुम्हें अपने भरोसे पर सिर्फ 2 घंटे देता हूं। याद रहे, सिर्फ 2 घंटे। अली, महक, इंदर किधर है? इंदर तो घर पर नहीं है। तुम जानना नहीं चाहोगे कि चीफ मिनिस्टर किसने मारा, मुन्ना को किसने मारा, मुझे किसने मारने की कोशिश की? मुझसे ज्यादा और कौन जानना चाहेगा अली? तुम उसे जानती हो। कौन? तुम्हारा पति इंदर। तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैं, मुझे सब कुछ याद आ गया, वो इंदर ही है। मैं कैसे यकीन कर लूं? अभी भी इंदर रिकॉर्ड करता है? हाँ, रिकॉर्ड करता है इंदर। हाँ।
चीफ मिनिस्टर के साथ डील करते वक्त 10 लाख रुपए के ऑफर पर तुमने सबसे पहले हाँ कहा था। इसका मतलब है पैसों की ज्यादा जरूरत तुम्हें है, तुम्हारे दोस्त को नहीं। अगर आप ये सोचते हैं कि 50 लाख रुपए के लिए मैं अपने दोस्त के साथ गद्दारी करूंगा, अपने जमीर को बेच दूंगा, चीफ मिनिस्टर को गोली मार दूंगा, तो आप बिल्कुल सही सोचते हैं। हेलो। हेलो महक, क्या कर रही हो? इंदर, कहाँ हो तुम? क्या हुआ तुम्हें? तुम अली, नफरत करती हूँ मैं तुमसे, नफरत नफरत करती हूँ। इंदर, तू वहां क्या कर रहा है? मुझे सब कुछ याद आ गया है, तूने सीम का खून किया है, मुझे मारने की कोशिश की, और मुन्ना, तू वहीं रुक, जाना नहीं। हाँ, जानो तब तुझे, चल दिया, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ। सर, अली मुंबई पहुंच गया है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? और इस समय मोहल्ले में है। तुम लोग किसी काम के आदमी नहीं हो, जानते हो मेरे लिए कितना खतरनाक आदमी है वो? अरे उसे मारने के लिए गांव में मैंने जितने आदमी भेजे थे सबके सबको मार डाला। सर वो वहां बच गया, लेकिन यहां नहीं बच पाएगा। आज कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा।
दो इसे, मार दो इसे, यहाँ कुछ नहीं बचा ली। तू गांव लौट जाओ, माँ बाप के पास। नहीं अली, तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं, मुस्कान होनी चाहिए। मैक, मैक। मैं अगर किसी से नफरत करता हूं तो तुझे करता हूं। बचपन से लेकर आज तक मैंने जो भी चाहे वो तुझे मिला है। तू मुझसे हर चीज मांग रहा है। मैं महक को चाहता था, मैं महक को बहुत चाहता था, लेकिन वो तुझे चाहती थी। तुझे, तेरी किस्मत अच्छी है कि तू बच गया, लेकिन अब नहीं बचेगा। साले, मेरे सामने तुम दोनों गले मिलते थे, तुम पीने पर सांप लौटते थे। कमीने, मैंने तुझे मारने की कोशिश की, लेकिन तू बच गया। तेरे भाई को यह बात पता चल गई, मस्जिद में मैंने तुम दोनों को मारना चाहा, लेकिन तू बच गया और उसकी मौत हो गई। तुझे लाने के लिए मुझे रहीम चाचा को मरवाना पड़ा, चीफ मिनिस्टर को भी मैंने ही मारा। हाँ, और आज तेरी वजह से महक भी मर गई। मैंने ये सब किया महक के लिए, पैसे के लिए। देख, तेरा गुड लक भी मेरे पास है,
आज तुझे कौन बचाएगा? वही जो तुझे मरवाएंगे इंदर। क्योंकि वो भी नहीं चाहते कि तुझे से कमी है, उनकी तरफ पर रहे और उनका नाम खराब करे। अगर तूने प्यार के लिए किया होता तो शायद मैं तुझे माफ कर देता, लेकिन तूने दौलत के लिए किया है, दौलत के लिए किया है, अपने स्वार्थ के लिए किया है। क्यों? तुझे भाई जैसे पाला और तूने मेरे साथ धोखा किया। मुन्ना, तूने मुन्ना को मार दिया, तूने महक के साथ रेप किया सिर्फ दौलत के लिए, रहीम चाचा को दौलत के लिए। लेके जा दौलत, दिखा मुझे कैसे लेके जाता तू दौलत, ऊपर लेके जा दौलत। क्यों 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 सर, आप यहाँ क्यों आ गए? दिवंगत सीएम साहब का कातिल यहाँ पे है और तुम पूछ रहे हो मैं यहाँ क्यों आया हूँ? प्लीज सर, आप यहाँ से चले जाइए, उसके सर पर खून सवार है, आपकी जान को खतरा है यहाँ पर। देश के सबसे बड़े नेता और मेरे गुरु का कातिल यहाँ पे है, मैं उसे अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखना चाहता हूँ। ओके सर, प्लीज आप इस तरफ आ जाइए। कमांडर्स आइए सर। कमेंट सावंत, कमेंट सावंत, मेरी बात ध्यान से सुनो, जरा ध्यान से, उसे जिंदा पकड़ना है क्योंकि सारे सबूत उसके पास हैं। चीफ मिनिस्टर साहब के सीने पे गोली मारने के तुम्हें 10 लाख रुपए मिलेंगे और यही गोली अगर तुम उनके सर पे मारोगे तो मैं तुम्हें 50 लाख रुपए दूंगा। लेकिन ये ऑफर आप मुझे क्यों दे रहे हैं? आप अली को भी तो साथ में बुला। बंद करो ये सब। किस किस का टीवी बंद करवाएंगे आप? ये तो सारे इलाके ने देख लिया होगा। पूरे इलाके को मार डालो, मार डालो सबको, ये मेरा ऑर्डर है। तुमने मुझे मुख्यमंत्री के मुंह पे तमाचा मारा? नहीं, ये जुर्म के मुंह पर कानून का तमाचा था। मैं तुम्हारी वर्दी उतरवा दूंगा कमिश्नर। वर्दी? वर्दी तुम जैसे नेताओं की कुर्सी नहीं जो सिर्फ 5 साल के लिए मिलती है। मैं तुम्हें इसकी ताकत दिखाता हूं। कमांडर्स अरेस्ट हिम। कमांडर, कमांडर, माइंड योर लैंग्वेज। लैंग्वेज? अरे तुम सिखाओगे लैंग्वेज? वीर आ गया है मुस्कान। वीर, बाबूजी, बाबूजी, क्या बात है? देखिए कौन आया है। वीर। ओए पुत्र, वीर आ गया। वीर, तू आ गया बेटा। ओए वीर आ गया। बाबूजी, बेटा, मुझे यकीन था
कि तू जरूर घर वापस आएगा। बाबूजी, मेरा नाम अली है, मैं मुसलमान हूं। बाप और बेटे के बीच में तू मजहब को ला रहा है, क्या यही सिखाया मैंने तुझको? नहीं बाबूजी। तू मेरे लिए सिर्फ मेरा बेटा है और कुछ नहीं। जी बाबूजी। अच्छा तुमने मुझसे पूछा था ना कि मेरे अतीत में से कोई निकल आया तो? हाँ तो वाकई में कोई है क्या? हाँ, और उसे भी साथ में लाया हूं। साथ भी लाए हो? ए, बाबूजी, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे चलिए ना बाबूजी, कहाँ है दाल भात मुंह से चंड हो रहा है। आए बिंदिया चमके चूड़ी खन के लंग मारे लश्कर हम हो गए तो या चमके चूड़ी खन के लौंग मारे लश्कारे हम हो गए तुम्हारे। बिंदिया चमके चूड़ी खन के लौंग मारे लश्कारे हम हो गए तुम्हारे।